हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जो दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, वो खाने में उतनी ही मज़ेदार है और बनाने में उतनी ही आसान। इस बारिश के मौसम में हमें कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन करता है ना, तो इसलिए मैंने आप सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये रेसिपी 15 से 20 मिनट में बन जाती है और इसको चाय के साथ खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक तो उबले हुए आलू और दूसरा पोहा। जी हाँ, वही पोहा जिससे हम पोहा बनाते हैं, मोटे वाले चूड़ा। जी तो आइए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आलू को उबाल कर छील कर रख लिया था। उसके बाद में मैंने एक से दो गांठ प्याज को पतला पतला सा काट लिया है और उसके बाद में आलू में मिला दिया है। और मैंने चूड़े को ना पहले से पोहे को अलग से सो करके रखा हुआ था, करीब ज़्यादा नहीं, बस एक से दो मिनट, बस ये हल्का सा फूल जाए ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये पूरा घुल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद में मैंने इसमें मैगी मसाला डाला हुआ है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैंने अब इसमें एक हरी कटी मिर्च डाली हुई है। उसके बाद में मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाला हुआ है। भुना हुआ ज़ीरे पाउडर ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा। करीब एक चम्मच मैंने डाला है और आधा चम्मच मैंने काला नमक डाला हुआ है। उसके बाद में मैंने इसमें करीब दो चम्मच भर भर के मैंने चाट मसाला डाला हुआ है। चाट मसाले से ना इसका टेस्ट हल्का सा टैंगी आएगा और इसमें और जब हम इसको खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, हल्का सा खट्टा सा, एकदम टिक्की वाला टेस्ट इसमें आएगा। और इसमें से थोड़ी सी खटास और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाला हुआ है और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, हमने सारे मिक्स को अच्छे से कर लिया है, तैयार कर लिया है। अब हम इसके ना छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। आप लोग इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने इसको गोल शेप दिया है। आप लोग चाहे तो जैसे ब्रेड रोल का शेप होता है हल्का लंबे आकार का, वैसा शेप भी इसको दे सकते हैं, आप लोग को जैसा पसंद हो। इसी तरह से एक एक करके सारे मिक्स की बॉल्स बना लेनी है। उसके बाद में हम इसमें ना अरारोट या कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास में हो उससे इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने से इसका एक फ़ायदा होगा, इसकी जो बाहरी लेयर है ना वो काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और ये तेल में जाने के बाद में फटेगा। सारी बॉल्स बनाने के बाद में हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। उसके बाद में जो हमने बॉल्स बनाई हुई थी ना, सारी बॉल्स को एक एक करके इस कढ़ाई में डालेंगे। और इस टाइम पे कढ़ाई की फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो हमारा जो बॉल्स हैं वो जल जाएंगी और ये अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी। इसको धीरे धीरे जैसे हम मीडियम फ्लेम पे जब ये पकेंगी तभी इसकी जो बाहरी लेयर है ना ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए, हमारी जो बाहरी लेयर है ना एकदम पास से दिखा रही हूँ, हल्की सी ब्राउन हो गई है। करीब दो से तीन मिनट तक की पकने के बाद में ये देखिए चारों तरफ से हल्के से ब्राउन हो जाएंगी। बस इस स्टेज पे आपको इसे बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, एकदम लग रही ना टिक्की जैसी, जैसे बाहर बाज़ार में टिक्की होती है ना उसी टाइप से इसको हमें कुक करना है। जब चारों तरफ से ऐसा ब्राउन ब्राउन सी आपको बॉल्स दिखने लगे बस तब आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, आपने आवाज़ सुनी ना कितनी ज़्यादा हमारी पोहे आलू की कटलेट
क्रिस्पी बनी हुई हैं। ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से पकी हुई और ग्रीन चटनी के साथ में, वाओ क्या टेस्ट है। अच्छा, मैंने बॉल्स की रेसिपी तो आपसे शेयर कर दी, बट मैंने चटनी की रेसिपी तो शेयर ही नहीं की। तो आइए बनाते हैं तीखी चटपटी हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया ली हुई है, उसके बाद में उसमें 3 से 4 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसमें 2 हरी मिर्च, आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च लीजिए, मैंने 2 ही हरी मिर्च ली हुई हैं। उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच लगभग दही डाला हुआ है, दही से ना इसकी खटास बढ़ जाएगी और इसका जो टेस्ट आएगा ना वो और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा आधा नींबू का रस लिया हुआ है, नींबू के रस की खटास ना इसमें अलग ही आती है, इसलिए चटनी में, हरी चटनी में नींबू का रस तो बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैंने इसमें लगभग आधा चम्मच नमक लिया है। अच्छा, आधा चम्मच नमक लेने के बाद में मैंने इसमें एक चीज़ और डाली हुई है जिससे इसका कलर ना बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसमें हम मैंने करीब 2 से 3 आइस क्यूब डाली हुई हैं जिससे चटनी पिसने के बाद में इसका कलर चेंज नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि चटनी हमारी पिसने के बाद में कलर बेकार हो जाता है, हरी हरी से नहीं लगती, लेकिन ये देखिए हमारी हरी चटनी पिस के तैयार है। और इस चटनी में मैंने किसी भी तरह का कोई फिल्टर इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी जैसी ये है बिल्कुल एज इट इज़। ये देखिए हमारे आलू पोहे की कटलेट और हरी चटनी तैयार है। आप लोग प्लीज़ इसे ऐसे ही बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खाइए पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।